नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, श्री गंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर हाईवे पर पैदल रामदेवरा जाने के लिए हजारों यात्री आपको सड़कों पर मिल जाएंगे और हर संघ में एक दो नशेड़ी प्रवृत्ति के लड़के मिल जाते हैं जो खुद तो नशा करते ही करते हैं और साथ में नशा बेचने का भी काम करते हैं। और सड़कों पर पुलिस भी तैनात है पर कोई भी पुलिसकर्मी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा ही अनूपगढ़ जिले के जैसर इलाके के गांव 13GB बस स्टैंड के पास हुआ। एक व्यक्ति गांजे की पुड़िया बेच रहा था। हनुमान जी के आसन के सामने बैठकर शरेआम गांजे की पुड़ियां बेची जा रही थी और कुछ लोगों द्वारा उसे रंगे हाथों पकड़कर उससे गांजे की पुड़ियां बरामद की गई। देखें आगे कि किस तरह से उस बंदे का पकड़ा गया और उसका जुलूस निकाला गया। जेब में कौन है भैया? इसको दो बार समझा दिया मैंने, ये पुड़ी दिया बंदे को। अरे बार इसको मैंने अपना गवाह बना के इसको भेजा था पुड़ी लेने के लिए, इस लड़के को हमने भेजा और इसको हमने कहा तू पुड़ी ले और उस बंदे को ना जानते उसने पुड़ी दी इसको। कल को किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी ये नशा करके, कल को ये एक्सीडेंट नशा करके एक्सीडेंट हुए, किसी का बच्चा मरा, किसी का बेटा मरा, मेरे को जवाब दो। तुम धार्मिक स्थल पर बैठ के सेवा का नाम लेके तुम पैसे नशा लेते हो पे, ये है क्या? ये पीने के लिए यहाँ पे बैठ के भक्ति कर रहा है? परमेश्वर का सही पास था, परमेश्वर आगे पास है, परमेश्वर आगे पास है। क्या तेरे घर पसंद है क्या इतने तुमको? रात को तू गांजा नहीं बचेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जल्दी से सुसाइड कर सकता हूँ। रोना रोना कुछ नहीं कहते, परसों तुम यहाँ पे नशा बेच रहे हो, हरम लिया भी तुम्हें और पैर ना पकड़ेगा। तुम पागल बनते हो और तुम सारे जगह जितने भी आपस में खड़े जो सेवादार है उनको दिखता नहीं यहाँ पे गांजा बेच रहा है ये। कल को कोई नशा करके रोड पे मर गया, चिप गया, कोई ट्रक को नीचे आ गया, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या नाम है तेरा? साथियों, आज हमारी टीम ने, नशा मुक्ति अभियान की टीम ने आज 13GB के अंदर बाबा रामदेव के लंगर सेवा समिति में लोग पैदल यात्रा जा रहे हैं। ये रतन राम जी जैसल के वासी है, जाति संसी है और ये बाबा के दरबार में बैठ कर ये गांजा ये चरस बेच रहा है। इस आदमी को यह शर्म नहीं आ रही कि बाबा के दरबार में लोग मत्था टेकने जाते हैं, ना कि नशा खाने के लिए आते हैं। इस बंदे को हमने कई दिन पहले घर पे जाके समझाया था, ये बंदा बहुत ज्यादा अंकल से भी गर्म हुआ, हमसे भी गर्म हुआ, मैं बेचता नहीं हूँ नशा। अब ये क्या है, ये तो पैसा भी लिया, पैसा क्या करता? हेलो हेलो, ओए छोड़ा कैसे हो रहा है? ये बंदा स्पोर्ट का स्पोर्ट का है, ओए क्या समिति में जो तेरे को पता ही नहीं है तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ आठ पुड़ी पकड़ी है इसकी और भाई आठ की आठ पुड़ी मैं भी यहाँ नष्ट करूंगा सारी जनता के सामने। मेरी रिक्वेस्ट यही है ऐसे बंदों को यहाँ पे सेवा समिति में बिल्कुल निपटा जाएगा, निकालो इसको यहाँ से और ये लोगों को सेवा समिति में निकलना चाहिए क्योंकि ये सेवा का भाड़ा लेके गलत काम करते हैं। चलो चलो मेरे पास वीडियो ऑनलाइन हमेशा पड़ रहेगी। एक बार एक विंडो वीडियो बनाई थी वो भाई जी के पास, रिंकू भैया के पास मौजूद है वीडियो, उसको समझाया। मेरा हमारी टीम का काम यह है एक बार इंसान को समझाना, उसके बाद कोई कार्रवाई करते हैं हम। ठीक है, इस बंदे को समझा दिया और इसको जलाना है, अभी जलाओ इसको। जलाए इनको, जलाओ।
दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से गांजे की पुड़ियां बरामद की गई और उनको नष्ट भी करवाया गया। जिन लड़कों द्वारा ये नशा बेचने वाले को पकड़ा गया था, उन लड़कों ने समझाकर नशा बेचने वाले को माफ कर दिया। आगे भी इस टीम द्वारा दो तीन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, जिसमें आरोपियों के पास प्री गाबालिन कैप्सूल बरामद हुए थे और वो आरोपी भी जमानत लेकर छूट गए। क्या ये लोग इस तरह की कार्रवाई से नशा बेचना बंद कर देंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज़, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।